हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेल। सर, आज हम नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नरेशन क्या होता है। नरेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको सभी लोग देखते हो एकेडमिक में। अब नरेशन नरेशन नरेट से बना है। नरेट का मतलब व्याख्या करना होता है और नरेशन का मतलब होता है, बच्चों हिंदी में इसको हम कथन बोलते हैं। अब इसी कथन के बारे में देखना कि कथन क्या होता है। तो कथन को हम दो प्रकार से, यानी किसी भी कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट सेंटेंस, दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। यानी हम डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस में किसी कथन को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है और डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। तो जो डायरेक्ट सेंटेंस है आपका, इसमें किसी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों लिखते हैं या ज्यों का त्यों कर देते हैं, अर्थात उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। और जो वक्ता के द्वारा कही गई बातें होती हैं उसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। और जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों न कह करके उसे अपने शब्दों में रिप्रेजेंट करते हैं, अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि गरिमा गरिमा सेड टू मी, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। एक सेंटेंस है और कैसा सेंटेंस है? डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस क्यों है? क्योंकि हमने इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा है। और दूसरी बात, ये वक्ता के द्वारा कही गई बातें हैं और उसमें हमने किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। एक चीज समझ में आनी चाहिए आपको कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। तो डायरेक्ट सेंटेंस का मतलब होता है कि वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों जब प्रस्तुत कर देते हैं अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। और डायरेक्ट सेंटेंस में वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जैसा कि देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, तो ये जो है डायरेक्ट सेंटेंस है। ठीक, अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज करने की अपने बहुत से नियम है, जैसे कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, कौन सा कंजक्शन यूज किया जाता है, ये सभी चीजें हैं। लेकिन अभी इसका एक इंट्रो है, अभी इसका एक परिचय है, इसलिए अभी हम इसका डिटेल बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको देख लो कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। तो डायरेक्ट बता दिया गया। अब देखो डायरेक्ट सेंटेंस को जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट जब इसका बनाओगे तो हो जाएगा कि गरिमा told me that she was reading a book then now का क्या हो जाता है? then हो जाता है और हम बताएंगे इसको बाद में। अभी indirect sentence है तो समझ में आया होगा कि डायरेक्ट सेंटेंस इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी किसी कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट देखो, ये आपका सेंटेंस यानी वक्ता के द्वारा कही गई बातों को ज्यों का त्यों रिप्रेजेंट करना डायरेक्ट सेंटेंस है। और जब वक्ता के द्वारा कही गई बातों को हम ज्यों का त्यों ना लिख करके हम उसे अपने शब्दों में प्रस्तुत कर देते तो इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि अब डायरेक्ट सेंटेंस के भी बच्चों दो पार्ट होते हैं। अगर मान लो डायरेक्ट सेंटेंस है तो डायरेक्ट सेंटेंस के आपको दो पार्ट हैं,
पहला क्या होता है, पहले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। पहला पार्ट तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, ये दूसरा पार्ट है। अब देखो डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो बच्चों जो इनवर्टेड कॉमा से बाहर लिखा गया वाक्य होता है वह कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। यानी तुम्हारा यहां से गरिमा सेड टू मी, गरिमा सेड टू मी क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया वाक्य, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, मैं एक किताब अब, यानी मैं अब एक किताब पढ़ रही हूँ, ये कौन सा सेंटेंस है? ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच हो गया। अब देखो इसमें ये देखना है कि नरेशन के, यानी किसी भी, मान लो अगर कोई एसर्टिव सेंटेंस है, कोई असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का कोई भी वाक्य, अगर उसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है, यानी असर्टिव सेंटेंस के किसी भी वाक्य को इनडायरेक्ट, यानी इनडायरेक्ट कैसे बनाएं, या इनडायरेक्ट में हम कैसे बदलेंगे, इसके लिए हमको करना कुछ रूल होते हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि जनरल साधारण नियम, तो नरेशन के साधारण नियम क्या है? जैसे कि पहला नियम है कि कैसे हम किसी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलते हैं। तो उसका नियम होता है कि भैया देखो रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को सेड टोल्ड टेल और टेल्स आदि में बदल देते हैं। ये तो पहला नियम है, आदि में बदल देते हैं। दूसरा नियम है कि नरेशन का साधारण नियम का दूसरा नियम है, जैसे पहला नियम बताया गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को हम किस में बदल देते हैं, यानी सेट को सेड ही सेट रखते हैं, अगर यानी उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है रिपोर्टिंग वर्ब का तो सेट का सेट हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है बोल्ड हो जाता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो टेल टेल्स में बदल देते हैं। और दूसरा नियम है कि अगर मतलब इसमें कंजक्शन, कौन से कंजक्शन यूज किए जाते हैं, तो कंजक्शन अगर एसर्टिव सेंटेंस है तो एसर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन दैट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कंजक्शन इफ, या फिर वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? एक कंजक्शन हमारे हैं, यानी कंजक्शन दैट इफ, वेदर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम बदल देते हैं, दूसरा नियम है कंजक्शन दैट इफ वेदर का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा नियम होता है जैसे तीसरा नियम है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड, यानी रिपोर्टेड स्पीच के
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन कर देते हैं। टेंस में परिवर्तन कर देते